तरह से आसाम में 40 लाख हिंदुस्तानियों को उनको शहरियत से बेदखल करने की कोशिश की गई है। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन NRC की जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें आसाम के 40 लाख जो शहरी हैं उनका उनका नाम ही उसमें दर्ज नहीं है और इंदराज नहीं किया गया। इसके वजूहत क्या हैं और क्या मुश्किल है कि ऐसी क्या बात है कि भाई के इतने हिंदुस्तानियों को महरूम कर दिया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि ये जो लिस्ट जो आई है ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है NRC, इसके बाद में एक लिस्ट और आनी है। लेकिन वहीं अमित शाह जी जो है कहते हैं कि भाई 40 लाख जो लोग हैं जिनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है वो देशद्रोही है, वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, ये शहरी नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये एक तरह से हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी है और इंसानियत के साथ में एक जुल्म है। हुकूक इंसानी का एक तरह से तर्क किया जा रहा है उनको मान के 40 लाख जो हिंदुस्तानी है उनको बुनियादी सहूलतों से महरूम करने की कोशिश की गई है या की जा रही है। ये एक खालिस सियासी मुद्दा है और ये आज का नहीं है, तकरीबन कई सालों से ये मामला चला आ रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद NRC को क्या जरूरत थी कि उसने फौरन ये ऐलान किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अनकरीब जो है 2019 के इलेक्शन है और ये सरकार चाहती है कि ऐसे वोटर्स जो उनको लगता है कि जो BJP के खिलाफ है या BJP के फेवर में नहीं है या सरकार के खिलाफ है उनको शहरियत से बेदखल किया जाए। इस मुल्क में जहाँ बहुत सारे मजहब के धर्म के लोग हैं मानने वाले हैं, बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है हमारा भारत जो है दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है, अमन और शांति का पैगाम आम करता है, पूरी दुनिया को संदेश देता है कि हमारा मुल्क जो है अमन के रास्ते पर चलने वाला देश है, शांति के रास्ते पर चलने वाला देश है। लेकिन इस मुल्क की कुछ मामूली जो ताकतें हैं वो छोटी सी है लेकिन उस मुल्क में इस तरह से हालात पैदा कर रही है दो समाज के बीच में, दो कई सवालों के मानने वालों के बीच में और इस तरह का खेल खेला जा रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को जो है इस वतन से ही निकाल के बाहर किया जाए। अब जब 40 लाख लोगों की बात आई है जो कि आसाम के शहरी नहीं बताए जा रहे, इस मुल्क की शहरी नहीं है, वहीं पर बांग्लादेश के जो की हुकूमत जो है वहाँ से भी ये इस तरह की बातें उठ रही हैं कि भाई ये 40 लाख जो शहरी जो हिंदुस्तान में है जिसको हिंदुस्तानी नहीं माना जा रहा है इनका बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारे बांग्लादेश के भी शहरी नहीं। तो बताइए कि 40 लाख इंसान जाएंगे कहाँ, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे वो लोग जो है। हम यहाँ पर सिर्फ एक समाज की बात नहीं, यहाँ पर इंसानियत की बात है। वहाँ पर उस 40 लाख लोगों में हो सकता है कि तादाद मुसलमानों की ज़्यादा है लेकिन साथ साथ ये बात भी सही है कि उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं जो कि हिंदुस्तान के हैं लेकिन उनको बांग्लादेशी कहकर उनको महरूम किया जा रहा है इस मुल्क की शहरियत से, इस मुल्क की बुनियादी सहूलत से और उनके हकूक से। हम यहाँ पर मजम्मत करते हैं सरकार की भी कि इस तरह के काम करने से पहले बहुत ही गौर फोर्स के साथ में इस पर सोचा जाए कि क्या सही और क्या गलत है। इस तरह से आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे को जो है आप नाइंसाफी नहीं कर सकते और ये इंसानियत की बात है। हमारी गुजारिश है सरकार से कि इस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है उस पर बयानबाजी नहीं होना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है, लोगों में दिलचस्पी पैदा होती है, लोगों में परेशानी का एक आलम हो जाता है कि भाई वो सोचने लगते हैं कि हम आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। उनको हो सकता है कि आगे रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारना पड़े जहाँ पर ना उनको पानी की सहूलत होगी ना उन्हें लाइट की सहूलत होगी और इस मुल्क के अंदर जो इंसानों को जो शहरियों को जो सहूलतें हैं बुनियादी सहूलतें हैं जो उनके हकूक है वो हकूक उनके मारे जाएंगे तो बताइए उनकी ज़िंदगी किस तरह की होगी। एक 40 लाख तो तादाद कम नहीं है कि जितना आसानी से ऐलान कर दिया गया कि 40 लाख जो है लोग जो है इस मुल्क के शहरी नहीं है बाशिंदे नहीं है, ये बहुत ही काबिल मुकम्मत बात है। हम इसका ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल खास तौर से बहुत ही सख्त विरोध करती है, मजम्मत करती है और यहाँ तक कि आपको जो पत्रकार हैं उनको पता होगा कि यहाँ मौजूद है उन्होंने पढ़ा भी होगा देखा भी होगा, यहाँ तक कि इस मुल्क की जो हमारी फौज है फौज में 30 साल तक फौज में अपनी खिदमत देने के बाद इस मुल्क का फौजी है उस फौजी का भी नाम उस पर नहीं है।
ये बड़े ताज्जुब की बात है, जिसने 30 साल तक फौज में रहा है जो, उसका नाम भी नहीं है। तो ऐसे लाखों नाम है जो कि जो शहरी है उनको महरूम किया गया है। और एक आपको बता दें कि आसाम में आया जी सैलाब आते थे। अब सैलाब की बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे जब सबूत मांगा जाता है तो सैलाब में आप समझ सकते हैं कि सब कुछ बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो जरूरी कागजात होते हैं वो तो उनके पास नहीं होते हैं, कि उनको बनाने में जो दिक्कतें आती है वो आप सबके सामने है कि हम लोग यहाँ बम्बई शहर में रहते हैं, हमें कोई अगर सरकारी कागज बनाना हो तो कितना चप्पल घिसने पड़ते हैं बनाने के लिए, तब भी वो पूरी तरह से बन नहीं पाते। और आसाम में यही मामला है कि आसाम में आए दिन सैलाब की वजह से लोगों का बर्बाद होना एक आम सी बात है, और उनके कागजात बह जाना, ज़ाया हो जाना, तो इतना जल्दी मुमकिन नहीं है कि अपने सबूत पेश करें। सरकार को इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो है मौलाना अच्छा ईमान जल्दी साहब है, वो अपनी बात करें। पत्रकार बंधु, ये जो आसाम में NRC की लिस्ट प्रकाशित की गई है, ये नोटबंदी जैसा जल्दबाजी में कदम, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकती है। आज आसाम के जो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, वो परेशान है। परेशान होने वाला तबका ज़्यादातर गरीब होता है और अनपढ़ होता है। गरीबी की वजह से उनके पास कागजात नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं इसलिए कागजात नहीं होते हैं, और भूमिहीन जिसको कहा जाए उसके पास कागजात नहीं। अभी पूरे इंडिया में अगर NRC का सिस्टम लागू कर दिया जाए तो हर स्टेट में तकरीबन 10, 20, 25 लाख ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास कोई कागजात नहीं। अगर जो शजरा साबित करने की बात की गई है कि पूरा चेन आप बताइए, जिसके पास भूमि नहीं है वो चेन कैसे बता पाएगा? चेन बताने के लिए भूमि चाहिए। अभी आप बम्बई में ही कर लें तो यहाँ चेन कोई नहीं बता सकता। तो ये यहाँ की हिंदुस्तान में एक बड़ी जनसंख्या है और सिस्टम का ऑपरेशन अच्छा नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए सिर्फ और सिर्फ नागरिक को परेशान कर रही है। आसाम में इंडियन सिटीजन को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। वहाँ पर मंत्रियों के नाम नहीं है, विधायकों के नाम नहीं है, सांसदों के नाम नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति के खानदान वालों के नाम नहीं है। तो ये सिर्फ जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है, और खुद हिंदुस्तान एक शांत प्रिय मुल्क है, इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्दबाजी में ये कदम ना उठाया जाए, बल्कि इसके लिए वक्त ही दिया जाए ताकि दावा निस्तारण सबका हो जाए और सबको शहरियत हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल जाए। क्योंकि ये इंसानी मसला है, किसी धर्म, जाति, लिंग से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये इंसान नियत की बात है कि ये 40 लाख लोग जाएंगे कहाँ आप भेज पाएंगे? कोई भी मुल्क 40 लाख लोगों को नहीं लेगा। तो हम हिंदुस्तानी हैं और ये इंसानी हकूक की सीधे सीधे पामाली है, इसलिए हम सरकार की मजम्मत करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसका टाइम दिया जाए ताकि दावा निस्तारण हो। अक्सर लोग उसमें विस्थापित लोग होंगे, बाढ़ ज़्यादा सैलाब ज़्यादा इलाका आसाम है, उसके अलावा वहाँ पर बहुत से लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट से भी गए हैं, तो उन लोगों के पास शजरा साबित करने में वक्त लगेगा और बहुत से लोग शजरा भी साबित नहीं कर सकते। जिसके पास ज़मीन नहीं होगी तो 100% नहीं कर सकते, ज़मीन जिसके पास होगी वही सिर्फ और सिर्फ शजरा साबित कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। आप बताइए
कि 91 से पहले किसके पास डॉक्यूमेंट था अपनी आइडेंटिटी का। सेशन साहब आए तो ये वोटर कार्ड आया, उसके बाद वोटर कार्ड के बाद पैन कार्ड आया, पैन कार्ड के बाद आधार कार्ड आया। वरना सेंसस होता था, सेंसस में नाम आ जाता था, एक चिट्ठी मिल जाती है कि इस घर में 5 लोग हैं, राशन कार्ड में 8 लोग हैं। जब गवर्नमेंट ने खुद ही 1947 के बाद कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया है तो उसका भुगतान भारत का कोई नागरिक क्यों हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए कोई एक निज़ाम, एक बिल पेश करे ताकि ये 40 लाख लोग जो परेशान हैं वो परेशानी से निजात पाए और हम इन 40 लाख लोगों के साथ हैं। और हम ये सरकार से चाहेंगे कि 40 लाख लोगों का दावा निस्तारण किया जाए और उनको शरीयत दी। अब मैं चाहूँगा मौलाना श्री मकबूल नबी साहब से जो आसाम के बाशिंदों की सूरत हाल है, इन आरसी जो आखिरी ड्राफ्ट के आ जाने के बाद तो वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में डर और खौफ जो पैदा हो गया है, उस ताल्लुक से हम हिंदुस्तानी लोगों का फिक्रमंद होना और सरकार को इस ताल्लुक से अपने दर्द को पहुँचाना और अपने फिक्र को सरकार तक पहुँचाना, ये बहसियत हिंदुस्तानी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ कि इसी गलत से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है। आसाम में कुछ तनजीमें नौजवानों की उभरी थी और उन्होंने ये गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचाई थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदुस्तान में डर आए हैं और उस पेट कर बैठे हैं, उनकी वजह से आसाम के लोगों की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई, यहाँ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बात जो बहुत आगे बढ़ी, बहुत हंगामा हुआ, तो 1985 में जिस वक्त आजहान इराकी पाकिस्तान हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते थे, उनके दरमियान यानी मरकजी हुकूमत और आसाम गवर्नमेंट के दरमियान एक वायदा हुआ था कि हम इसकी जाँच करेंगे कि कौन हमारा हिंदुस्तानी है और कौन गैर मुल्की है, कौन घुसपैठ कर रहा है। NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन ये रिपोर्ट बनाई जाएगी, लेकिन ये बात बस चली और फिर ये सर्द खाने में डाल दी गई। लेकिन जब आसाम में BJP हुकूमत बन करके आई है, बल्कि BJP की हुकूमत आने से पहले मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो आसाम में अपने प्रचार के लिए जाते हैं तो मुझे कहते हैं कि मुझे आप जिताओ, मैं यहाँ जो घुसपैठ लोग हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, मैं उनको चंद महीनों में गुड़िया बिस्तर के साथ यहाँ से भगा दूँगा। या वहीं से ये सियासत खेली गई और फिर ये हुआ कि बहुत जल्दबाजी में इस काम को सामने लाया गया। सामने तो आना था लेकिन ये काम बहुत जल्दबाजी में हुआ और जल्दबाजी का ही ये नतीजा है कि जो आखिरी ड्राफ्ट हमारे सामने आया है उस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों का नाम है। अभी हमारे राशिद अजीम साहब ने कहा कि ये बात सही है कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हमारे बरादरा ने वतन बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जिनका नाम लिस्ट से आया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों के लिए हंगामा नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के हर फर्द के लिए जिनका नाम उसमें नहीं आया है, हम उसके लिए अपनी आवाज़ हुकूमत तक और मुल्क के हर फर्द तक पहुँचाना चाहते हैं। हमको अगर कोई मुसलमान भी वाकई में बांग्लादेशी है और वो घुसपैठ किया है, वो डर आया है, हम उसकी हिमायत करते हैं, तो उसे फौरन मुल्क से निकाल हम उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन एक भली बात यह है कि 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है कि जिन 40 लाख लोगों के नाम नहीं आए हैं अभी उनको गैर मुल्की ना कहा जाए, उनके साथ कोई गैर सरकारी जो है कार्रवाई ना की जाए बल्कि उनके साथ वही बेहद किया जाए जो अपने हिंदुस्तान के एक बार के साथ बेहद किया जाए और उनको
पूरे आसाम में 2500 सेंटर्स लगाए गए हैं, वहाँ वो 27 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक जाकर वजह मालूम करें कि आखिरी लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। और वजह मालूम होने के बाद जो वजह बताई जाती है, जो कारण बताई जाती है, अगर वो कारण उसके अंदर नहीं है, उसके पास सबूत है, तो वो जाके सेंटर में सबूत जमा करें और उनके सिटीजनशिप को कबूल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाने के बाद हमको और हिंदुस्तान के अक्सर लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर जल्दबाजी न की जाती तो आज जो आसाम में अफरा तफरी है और पूरे हिंदुस्तान के वो लोग जो सेकुलर हैं, जो हमदर्द लोग हैं, जो अपने मुल्क की एक एक फर्द से मोहब्बत करने वाले हैं, उनमें आज ये बेचैनी नहीं देखी जाती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आ जाने के बाद थोड़ा हमें राहत ज़रूर मिली है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे वो लोग जिनका नाम नहीं आया है, उनका नाम ज़रूर आ जाएगा। एक जोगेश्वरी भी आसाम के साहब है, मोहम्मद अकबर, उन्होंने बताया कि हमारे घर के हर फर्द का नाम आया, मेरी 5 साल की एक लड़की है उसका नाम नहीं है। अब एक घर के बाप का, माँ का, बहन का, भाई का, सब का नाम हो और एक 5 साल की बहन का नाम ना हो या अनवर की 5 साल बहन का नाम, इसका मतलब यह है कि जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा था या कंप्यूटर को उसे पुटअप किया जा रहा था, वहाँ कोई गलती हो, जल्दबाजी की वजह से नाम नहीं आया। एक साहब कहने लगे वो मैं इसलिए परेशान हूँ कि हम सब भाई बहनों का नाम तो है लेकिन बाप का नाम जो खलीलुर रहमान है उसमें स्पेलिंग में सब अलग अलग स्पेलिंग करती है, इन फ्यूचर हमें परेशानी हो सकती है। ये बात भी सामने आ रही कि जो सेंटर लगाए गए थे वहाँ स्पेलिंग सिर्फ गलत होने की वजह से उनका नाम रद्द कर दिया गया। आप जानते हैं भी हमारे मोहतरम ने कहा कि जहाँ जहालत होगी, जहाँ गुर्बत होगी, जिनके पास अपना घर रहने के लिए नहीं होगा, वो बेचारे स्पेलिंग को क्या समझे। मुफ्ती ने जो हजरात कंप्यूटर पर बैठे हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड जो तैयार कर रहे हैं, तो उनकी गलती होगी, उन्हें स्पेलिंग गलती कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो 1 महीने का मौका दिया गया, ऐसे मुतालबा किया गया कि 2 महीने का मौका दिया जाए, तो जिन लोगों के नाम नहीं है उसमें से अक्सर लोग इंशाल्लाह नाम आ जाएंगे। अलबत्ता गवर्नमेंट अगर और मौका दे देती है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेचैनी कुछ खत्म होगी और शक उस वक्त हो गया है बीजेपी की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद भी अमित शाह पार्लियामेंट के राज्यसभा में बबागे तोहल अपने सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि देखो हमने ये काम कर दिखाया, हमने ये काम, वो अभी से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये काम हो रहा था और जल्दबाजी भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि अभी वो दरअंदाज नहीं है, घुसपैठ नहीं है, बल्कि उन्हें हम मौका देंगे एक बार फिर वो अपनी शहरियत को साबित करें। बहरहाल इस बेचैनी में हमें आसाम के सारे लोगों का साथ देना चाहिए, अपनी आवाज़ मुल्क के जिम्मेदारों तक पहुंचानी चाहिए और उसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं हुकूमत वक्त से ये कहता हूँ कि देखिए ये हिंदुस्तान की आज़ादी में हर फर्द का खून बहा है, हर ख़ानदान के लोगों ने अपना पसीना बहाया है, लिहाजा उनके औलाद के साथ जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेना ये सही नहीं होगा। ये बदकिस्मती है कि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान जब मुनकसिम हुआ, पाकिस्तान बना, तो वहाँ एक जो है मुहाजिर के नाम से एक जमात को आज तक सताया जा रहा है और वक्तन फ़क्तन उनके साथ उनको सितम किया जा रहा है। बांग्लादेश हुआ तो वहाँ बिहारियों की एक जमात को बिहारियों की जमात का नाम दे दिया गया जो उर्दू बोलते हैं और मौका बमौका उन्हें भी सताया जा रहा है, पर हमारे हिंदुस्तान में आसाम में बांग्लादेशी करार देकर वहाँ भी कुछ हमारे हिंदुस्तानी नागरिक को सताया जा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। और हम बिल्कुल हिमायत करते हैं, बिल्कुल जो लोग वाकई में घुसपैठ हैं और बांग्लादेश से हमारे मुल्क में डर आए हैं, बिल्कुल उसका हम साथ नहीं दे रहे हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पूरी शफाफियत के साथ, साफ सुथरे ढंग से, पूरी इंक्वायरी के बाद अगर वाकई में वो हमारे नागरिक नहीं है उन्हें आप भेज दीजिए, लेकिन जो है उनके साथ जुर्म न किया जाए, बल्कि उनके पास कोई भी 16 डॉक्यूमेंट्स बताए गए उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास है तो उस डॉक्यूमेंट्स को कबूल किया जाए और उनकी परेशानी को खत्म करने का रास्ता निकाला जाए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इस सिलसिले में और इस ताल्लुक से पेशरफ्त करेगी और अगर नहीं करती है, अपना पेट थपथपाती है, अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया समाजी रिफाई काउंसिल के सदर होने के ऐसे से मैं कहता हूँ कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ अगर गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए अपना पेट थपथपा रही और अगर उसको वाकई में अपने हिंदुस्तान की एक ही फर्ज मोहब्बत है तो शफाफत के साथ इस मसले को हल करें। सुंदर इमाम फाउंडेशन मौलाना रशीद साहब अपनी बात करें।
अल्लाह की रहमत बनी रही है। हम तमाम हजरात यहाँ जो अटेंड मीडिया सेंटर में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो अभी रखी गई है इसके ताल्लुक अभी आसाम NRC का जो मसला है इस सिलसिले में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें यह तालीम दी गई है कि इंसानियत किसे कहते हैं। इंसानियत की बुनियाद पे इस वक्त तमाम इंसानों को ये होना चाहिए कि जिन 40 लाख लोगों को वहाँ बेघर करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिनको जो है तरंगाल कहने की बातें कही जा रही हैं ये सही नहीं है। सबसे ताज्जुब उस वक्त हुआ कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो मुल्क के सदर रह चुके हैं उनके ख़ानदान वालों का नाम नहीं है, तो मामूली दिगर आदमी जो खेत में काम करने वाले हों, जो बागात में काम करने वाले हों, जिनको लिखना और पढ़ना ना आ रहा हो तो उनके बारे में क्या कहना होगा। तो हुकूमत ने जो है बहुत ही जल्दबाजी में ये काम किया है। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि इंसान की बुनियाद पर हुकूक इंसानी के तहत जो है इस तरह का काम न किया जाए और लोगों को परेशान न किया जाए। हर हुकूमत में जो है लोगों को परेशान किया गया है, इसलिए हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि 40 लाख उनको आप कहाँ भेजेंगे, आप किस मुल्क में भेजेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अपना बयान दिया है वह इनको वोट के हक से महरूम नहीं किया जाए और इनको जो है वोट देने का हक अधिकार है। तो इसी तरीके से बहुत ही संजीदगी के साथ बहुत ही जो है अच्छे माहौल में और सुकून माहौल में लोगों को परेशान ना करते हुए जो अफरा तफरी का आलम है वहाँ आसाम के अंदर, तो हम तमाम इंसानों का ये फर्ज बनता है कि इंसान होने के नाते जो है हम उनका साथ जो है हर वक्त जो है देते रहे और उनको ये तसल्ली देते रहे कि न डरने की जरूरत है न खौफ खाने की जरूरत है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और इस जमीन को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबाओ आज़ाद और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है कितने लहू बहाए कितने खून बहाए आज हुकूमत उसको गिनना चाहे तो उसको शुमार नहीं कर सकती है जो हमारी कुर्बानियां है। लेकिन ऐसे मौके पर जो है अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो यकीनी बात है कोई हिंदुस्तानी इंसान जो है उसकी हिमायत नहीं करता है। अगर कोई बांग्लादेशी है और सही माने में है तो उसको जो है वहां से निकाल दिया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी वहां आकर के बस गए हैं, अगर वाकई वो पाकिस्तानी है और सही रूल में आते हैं तो उसके ऊपर हम हिमायत नहीं करते हैं। लेकिन ये 40 लाख लोगों के साथ 40 लाख इंसानों के साथ यकीनी बात है कि एक रियासत के अंदर 40 लोग कैसे जो है बगैर घर के और बगैर सिटीजन के हो सकते हैं, ये तो समझ से बाहर आता है। और ये लोगों को जो है बेवकूफ बनाने की और लोगों के जहन को मोड़ने की बात है कि इंसान इसके अंदर फंस करके रह जाए और हमारा जो काम है वो काम हम करते रहे। तो इसलिए हुकूमत के वक्त से हमारा मुतालबा है और जो तंजीमें वहाँ काम कर रही हैं खासतौर से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब उसी आसाम के हैं और इसी तरीके से जमीयत उलमा वाले काम कर रहे हैं, उन तंजीमों से भी हमारा हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह जहाँ भी बोले जिस जगह भी बोले जैसे भी के हम जाने के लिए और समझने के लिए तैयार है। हम लोग हमेशा जो है इंसानियत की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार है और हम उनकी सराहना करते हैं कि पूरे तन धन मन के साथ जो है अपने वक्त को और अपने लोगों को वहां लगा रखे हैं। तो यकीनी बात है ये काबिले सिफारिश काम वो कर रहे हैं और हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है। पूरे इंसानियत से हमारी अपील है कि इंसानियत की बुनियाद पर जो है चाहे उसमें कोई मजहब का हो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यकीनी बात है अगर वो बेघर हो रहा है और सिटीजन से जो है वो हटाया जा रहा है तो यकीनी बात है कि ये उनके साथ नाइंसाफी है। जब तक के पूरे तौर पर जो है यकीन के साथ अब पूरे पेपर को खंगालने के बाद अब यकीनी बात है कि वहां जो है सैलाब आता है तो 8-8 किलो मील दूर तक जो है तबाहों बर्बादी आ जाती है, तो इंसान के जान को जो है बचाना मुश्किल है। तो यकीनी बात है वो अपने पेपर की कैसे हिफाजत करेगा। पर हम पुत्र नदी जो मशहूर है 8-8 किलोमीटर दूर तक जो है वो नदी बह जाती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मीडिया से हमारी ये गुजारिश है कि आप देखें आपकी भी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए, आपकी जब तवज्जो होगी तो इंशाल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी और इंसाफ होगा और इंसाफ जो है हर हाल
अगर हमारी और आपकी तवज्जो रही तो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। यह हमारा बहसियत इमामुल हिंद फाउंडेशन की तरफ से जो हमारी यह अपील है हुकूमत से कि जल्दबाजी में ना करते हुए लोगों के जो है कभी हर वक्त जो है आप देखिए आए दिन रोज ना रोज कोई मसले आते रहते हैं, रोजाना कोई ना कोई मसले आते रहते हैं। अब बताइए कि कल की एक बात है कि कल जो है एक साहब के मुसलमान थे दाढ़ी वाले, उनकी दाढ़ी को जबरदस्ती जो है लोगों ने जो है मुड़ दिया। अब बताइए कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैंने इससे पहले इस तरह के हालात नहीं देखे। तो हुकूमत को जो है और हुकूमत के जो है जिम्मेदार है उनको जो है ये तवज्जो देनी पड़ेगी, उनको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान किस रुख पे जा रहा है। बल्कि जो है इंसानियत के बुनियाद पर जो है हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जिनके साथ जो हो रहा है वो ना इंसाफी ना हो, बल्कि जो है पूरे जो है ईमानदारी के साथ और जिनके जो हुकूक है उनको हुकूक दिए जाए, और जिनके साथ जो ये हो रहा है इस पे जो हुकूमत तवज्जो दे कि हम इंसान जो है वो हिंदुस्तान में बसते हैं उस इंसानों के साथ जो है जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। ये जानवरों जैसा सलूक जो है इंसानियत किसी भी मजहब में किसी भी धर्म में जो है ये तालीम नहीं है कि किसी के साथ जो है जानवरों जैसा सलूक किया जाए, इसको बंद किया जाए। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत से, और आपसे ये गुजारिश है कि हमारी बात को जो है आप भी तमाम लोग मीडिया वालों से गुजारिश है कि सही तौर पर जो है मुस्बत अंदाज में जो है इसको जो है आम किया जाए ताकि जो बदअमनी फैल रही है, बदगुमानी फैल रही है, लोगों के अंदर जो है विश्वासघात हो रहा है, यह सब बंद हो। यह हमारी अपील है। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना रोशन अहमद साहब। हम तो ये कहते हैं कि भाई ये 40 लाख लोगों के, मैं ये कहना चाहूँ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का भी सवाल है कि 40 लाख इंसानों के नाम जो कि वहाँ उनको शहरियत दी दी जा रही है, कि 40 लाख लोग आए कहाँ से, कैसे आए? क्या हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद है इतनी कमज़ोर है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी कमज़ोर है कि आसानी से आ गए? 40 लाख लोग एक तादाद की मामूली थोड़ी है। ये 40 लाख जो है मुल्क की तादाद, एक तरह से जो छोटे ममालिक जो है उनके यहाँ इतनी तादाद होती है। पूरे गर्व अपनी फौज पर कि कोई भी आतंकवादी या कोई भी गैर मुल्की इतने आसानी से मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हमारी सिक्योरिटी जो है या सिक्योरिटी फोर्सेज जो इतनी कमज़ोर नहीं है। ये 40 लाख लोग वो है जो कि वहाँ के बाशिंदे थे और उनके आबाओ अजदाद जमाने से रहते आ रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं सरकार ये कहती है 40 लाख लोग हैं तो ये आप अपनी सिक्योरिटी की कमजोरी दिखा रहे हो, पूरे दुनिया में आप अपनी दिखा रहे हो कमजोरी की, हमारी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि कोई भी इस मुल्क के अंदर घुस के आ सकता है। ये 40 लाख लोगों में छोटे बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पैदा हो गए, जिन्होंने यहाँ पर एक लंबी जिंदगी गुजारी, कई नस्लें यहाँ गुजर गई। एक पूरी नस्ल को की नस्ल को आप जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं, एक तरह से पूरी नस्ल के साथ में ये उनकी पामाली करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ लोग इस मुल्क की ताकतें ये सोचती है कि बर्मा में जिस तरह से म्यांमार में जो हाल वहाँ के शहरों का किया गया या हिंदुस्तान में भी हम कर देंगे, ये किसी बेवकूफ़ों की सरकार में रहते हैं या बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। ये बर्मा और म्यांमार नहीं है, ये हिंदुस्तान है, भारत है। भारत देश जो है अमन और शांति के पैगाम पर और अमन और शांति के साथ चलता आया है, चलता रहेगा। यहाँ के लोगों में जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, उसको आप लोग ख़त्म नहीं कर सकते। कमज़ोर करने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि तारीख जो है ना गवाह है इस बात की कि जब भी जुल्म होता है तो ये जुल्म जो है ज़्यादा दिन रहता नहीं है। ऐसी जालिम सरकारें या जालिम लोगों को जो है नेस्तो नाबूद होना पड़ता है, और वक्त आता है कि लोग समझते हैं। आपने पूछा कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, हम यहाँ पर ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई तो जब सबसे पहला जो कुल्हाड़ी चलाने वाला था वो आपका आरएसएस का बंदा था, लेकिन आज वो उसने मुसलमान हो गया, वो उसने इस्लाम कबूल किया, आज वो मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। तो ये तारीख के जो काले औराक जो है पलटते भी है और सुनहरे औराक में तब्दील भी होते हैं, ये हमने देखा है। तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और ये आपकी मक्कारी बहुत जल्द जो ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख भाई हो, हमारे दलित भाई हो, वो सब समझने लगे हैं कि इस मुल्क को बर्बारी की तरफ लेके जाने की कोशिश है। ये लोग ना गरीबों के हैं, ना यहाँ के ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना सिखों के, किसी के नहीं है। ये सिर्फ धन्ना सेठों के हैं, धीरू भाई अंबानी और अडानी के लोग हैं जो उस मुल्क को बेचना चाहते हैं। हमारे यहाँ आपने तमाम बातें कह डाली हैं,
और NRC के तालुक से जो आसाम में हो रहा है, जब वो सुप्रीम कोर्ट की देख रेख निगरानी में हो रहा है और कानूनी दायरे में हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला जो है मतलब सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सियासत करने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ तक देखा पेपरों में कि कुछ लोगों ने कहा कि जो 40 लोग NRC कुछ में नहीं आए उनको 40 लाख लोग जो है NRC कुछ में नहीं आए उनको गोलियों से भून देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जब हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए और उनकी जो है जाँच पड़ताल चालू है, तो ये इस तरह के जुमला अदा करने वाले लोग ये कौन से लोग, क्या इनके ऊपर जो है हम हिंदुस्तान के कानून के, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह की जो सियासत कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। जब मामला कानून की देख रेख में हो रहा है, तो सबसे पहले जो मतलब इस मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं और हमारे मुल्क के हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुल्क को जो है मतलब मुख्तलिफ मजाहिब और की बुनियाद पर लोगों को जो है मतलब कत्ल गारत की तरफ दावत दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, और ऐसे बयानबाजी करने वालों को मतलब सख्त से सख्त गिरफ्त किया जाए। और हम जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा ये भी करते हैं कि हुकूमत वक्त जो है ये काम सुप्रीम कोर्ट के और हुकूमत के मतलब कानून के दायरे में हो रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और सियासतबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो है सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और हम जो लोग वहाँ उनके 40 लाख लोगों की हिमायत में लोग खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं और हम उनके दामे दिल में सुखने हर तरह से खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है, हमको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, इस पूरी के हर शहरी को जो है अदालत आलिया पर पूरा एतमाद है, तो क्या अमित शाह जैसे लोग एतमाद नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है वो? क्या उनकी ताकत उनसे बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है, जो इंसाफ करती आई है और करेगी, हमें पूरा यकीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने सही रास्ता इख्तियार किया है, उस पर अमल होना चाहिए। राशि भाई, जो हालात एक दिन बने हैं मुल्क में, क्या लगता है आपको, इंसान बचाना जरूरी है या जानवर बचाना जरूरी है? जिस तरीके से जानवर देना देश में ऐसे हालात बन रहे हैं कि जानवरों के नाम पर जो है देश के कानून की झुग्गियाँ उड़ाई जा रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि जब देश का कानून बचेगा, देश बचेगा, तो इंसान बचेगा। और यहाँ पर इंसानियत को दांव पे लगाकर जानवरों के को सामने रखकर या गौ माता के नाम पर जो सियासत की जा रही है, उनको गौ माता से भी कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। आप ये देखिए कि ये सारी रिपोर्टें आप लोगों के पास भी है, जितने एक्सपोर्टर हैं जो गाय के गोश्त के, वो सब RSS के लोग हैं या BJP के लोग, या बहुत बड़े बड़े जो धंधा सेठ जो है उनका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और हमारे हिंदू भाई जो है उनके जहनों में जो है मुसलमानों के खिलाफ शहर भरा जा रहा है। यहाँ सवाल यह है कि इंसानियत जब बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो इंसान बचेगा। देश के संविधान को बचाना भी जरूरी है और देश को बचाना भी जरूरी है। क्या कहना चाहिए आपको, इंसान बचाना जरूरी है या जानवर बचाना जरूरी है? इंसानियत इंसानों को भी बचाना जरूरी है और जानवर को भी बचाना जरूरी है। अब जानवर के नाम पर लोग जो है खुद ही जानवर बन जाए, कानून हमारा कहता है कानून के मुताबिक जो लोग इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ हल्कों में रोज रोज बरोज कोई ना कोई इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फौरन उसको उस पर जो है कार्रवाई की जाए। अगर हत्या के पसे पुष्ट इसके पीछे जो है जो लोग कारफरमा है क्या करते हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह के हालात आए, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो जाती है, बाहर आते हैं, तो हारा फूल से उनका जो है स्वागत किया जाता है। हत्या के मुल्क का कानून ये नहीं कहता है, और अदलिया पे जो है पूरा ये होना चाहिए और इंसान को बचाना चाहिए। नहीं, कौन आदमी है जो इस तरह से कर रहा है? ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं इससे पहले। अभी जो है 2-3 साल से जो इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि कानून के मुताबिक जो है इंसान इंसानियत के दायरे में रहते हुए कानून को जो है अपने हाथ में ना लिया जाए। अगर कोई इस तरह के हालात हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है,
कानून के हवाले करें। यहाँ तो लोग खुद ही जो है कानून को हाथ में ले लेते हैं और बाद में जो है लोग बयानबाजी करते हैं। तो हम बिल्कुल हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को इंसान के साथ जो है जुल्म ना किया जाए, और चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी लिहाज से हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं ये नहीं कहा गया है कि वह इंसानों के साथ जुल्म किया जाए, हत्ता के जानवरों के साथ भी जुल्म करना मना है। यह हमारा मजहब कहता है कि जानवर के साथ भी जो है इंसानियत जैसा सलूक किया जाए। जानवर को हदीस के अंदर आता है कि एक ऊंट के ऊपर जो है बहुत ज्यादा वजन लाद करके ले जा रहे थे, तो वो ऊंट ने जो है माफी, वो ऊंट जो है आका के पास जाकर के जो है इस तरह के हालात हदीस के अंदर है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पे जो है बोझ कम करो। तो हमारा मजहब तो ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये गौ माता वाला मामला लेकर का है, हत्ता के इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो लोग जिन शरपसंद अनासिर ये सब कर रहे हैं, तो हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को पकड़ के फौरन जेल के अंदर डाल दिया जाए। आसाम में जो 40 लाख लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है, तो इसमें आप लोग कौन सा कदम ऐसा उठाएंगे जिसे हुकूमत नहीं मानी, वो अपना काम अपने तरीके से करेगी, इसमें आप लोग क्या कदम उठाएंगे? कानून के दायरे में रहकर के एहतजाज करने का हक जनूनी मुल्क है, तमाम लोगों का है। तो कानून के दायरे में रहकर के अगर ऐसा वक्त आया तो इंशाल्लाह इंसानियत की बुनियाद पर हम तमाम लोगों को साथ लेकर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हुकूमत से मुतालबा करेंगे। अगर इस तरह की कोई बातें आई तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत से जो है मुतालबा मनवाया जाएगा, तो इस तरह का जो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो और जो भी हमारी तंजीमें काम कर रही है उनके साथ साथ हम हैं, और जो हमारी जितनी तंजीमें हैं, जो मोतबर तंजीमें हिंदुस्तान की है, जैसे अबुल उलमा है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है, ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल है, मजलिस मुशावरात है, जितनी तंजीमें वहाँ मौलाना कबीर अहमद साहब की अपनी तंजीम है, वो ये सारे लोग वहाँ पर वॉलंटरी काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है वहाँ पर लोगों के नाम का इंदिराज हो, उनको सहूलत मिले, और जिनके कागजात नहीं उनके कागजात बनवाए जाए, जैसे कि ज़ाया हो गए हैं या जहालत की वजह से उन्होंने नहीं बनवाया है, तो वो सारी तंजीमें वहाँ पर जो हमारी यूनिट जो है वहाँ पर वो काम कर रही है उनके साथ। और हम चाहते हैं कि ये मामला जो बिल्कुल अमन शांति के साथ में इसको सियासी ना बनाया जाए, इसको समाजी बनाया जाए। ये मुद्दा समाजी है, पूरे समाज का मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है। इसके बावजूद अगर सरकार जुल्म करती है तो हम हर तरह से जो इस मुल्क के हर शहरी को जो हक दिया गया है एहतजाज करने का, अमन और शांति के साथ हम एहतजाज भी करेंगे और अपनी बात मानने की कोशिश करेंगे, मुतालबा करेंगे सरकार से। जहाँ तक ये बात है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीज़ें चल रही हैं। परसों की दिन हमारे मौलाना बदरुद्दीन नदीम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो भी चल रहा है, और लगभग एक महीने का वक्त अभी भी बाकी है इसके अंदर जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की तारीख में आंकड़े लगभग 40 लाख के करीब है, लेकिन जब पूरी प्यूरिफिकेशन का जब प्रोसेस शुरू होगा और जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा तो ये संख्या बहुत घट जाएगी, लगभग 30-35 लाख उन लोग कवर अप हो जाएंगे और लगभग 10-5 लाख के करीब बचेंगे। तो ऐसे में क्या वो 10 या 5 लाख को आपको डिसोन करेंगे उनके लिए फिर आगे की लड़ाई, क्योंकि अभी ये जो मामला साबित होता है जी, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये बांग्लादेशी है, उनका कोई सबूत नहीं है, हम बिल्कुल ये कहेंगे कि उनको निकाल के बाहर किया जाए देश के। लेकिन मसला ये है सर कि जो भूमिहीन है, जिसके पास जो इंडियन सिस्टम है उसमें शजरा साबित करने का मेन सिस्टम ये है कि लैंड होना चाहिए। अगर लैंड ओनर नहीं है आपके ख़ानदान में, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, तो वो शजरा इंडिया में साबित ही नहीं कर पाए। अब यहाँ किसी भी स्टेट में अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो 20-25 लाख हर स्टेट में निकले। साबित करने के लिए शजरा जो है, जो ट्री साबित होगा कि ये इंडियन सिटीजन है, वो मसला यहाँ पेचीदा है। बात बांग्लादेशी या कोई भी अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसको डिपोर्ट किया जाए, ये तो हमारे मुल्क का कानून है। लेकिन जब मामला पेचीदा हो जाएगा तो हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आप बांग्लादेशी हैं, क्योंकि भूमिहीन जो है उसके लिए, और फिर ये वो दरिया का इलाका है यानी नदी का इलाका है, तो नदी के इलाके में सब विस्थापित होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप जो विस्थापित लोग हैं
उनका आप जो शजरा है, जो वेरिफिकेशन है, जो आपने प्रोसेस किया है, उसको साबित करना काफी मुश्किल है। मसला यह है कि नागरिक के लिए मुश्किल है। ऐसे मामले के लिए हमारे जो मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में, तो जिस तरह से अभी ये मसला उभर कर अभी सामने आया, क्या उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए कुछ इस तरह से किया? क्योंकि ये मसला बढ़ेगा तो क्या हम लोग दिल्ली जाएंगे और जो एमपी है मुसलमान से नहीं मतलब है इसमें, हम विधायक वहाँ के विधायक का मैंने कल देखा टीवी में, उसका भी नहीं, खुद विधायक का, वजीर का नहीं है, राष्ट्रपति के फैमिली फखरुद्दीन अली अहमद साहब के यहाँ फैमिली के लोगों का नाम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जल्दबाजी है, सिर्फ स्टंट है और ये सिर्फ नोटबंदी की तरीके से है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार को माइलेज लेना है, बेवकूफ बनाना है आवाम को, और इसमें वो नहीं है आप नोटबंदी हुआ तो क्या किसी मुसलमान को तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई, पूरे हिंदुस्तानी को। और ये सिर्फ क्या है, ये भारत के नागरिक के साथ खिलवाड़ है। मसला ये है, मसला धर्म का नहीं है, भारत के नागरिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम मजम्मत करते हैं और इसके लिए हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ जो भी एमपी है, सांसद हैं और जो नागरिक की हिमायत करते हैं भारतीय की, उनसे मिलेंगे कि वो कुछ अमेंडमेंट इसमें करें और कुछ इसके बारे में सवाल और जवाब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता में बैठा है वो सबसे बड़ा गुंडा, इसलिए सब डरे हुए हैं आप सब लोग। ऐसा नहीं है कि हमारे मीडिया के ऊपर भी निगरानी नहीं है, मीडिया के ऊपर भी निगरानी है, गलत बोलते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, झूठ बोल रहे हैं उनको इनामों से नवाजा जा रही, देख रहे हैं। ये आप सबका मसला है कि नागरिक आज भारतीय डरा सहमा, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम भारतीय की लड़ाई है, अभी धर्म की लड़ाई नहीं है, भारतीय की लड़ाई है। क्योंकि उसको ये लड़ाई जो है धार्मिक बता रही है, ये आप इससे सवाल किया, बहुत अहम सवाल किया जो आपने प्रतिनिधि अरविंद साहब से पूछा, जो उन्होंने बात की। तो हमारी सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पर जो एहतजाज जो हमारा सबसे बड़ा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है, एनआरसी ने जल्दबाजी की लिस्ट को जाहिर करने में, तो जब अमित शाह का ये बयान आता है कि ये लोग आतंकवादी है, देशद्रोही है, और फिर इस तरह के बयान आते हैं कि उनको गोली मार देना चाहिए, आप होते कौन है? हमारा सबसे बड़ा एहतजाज ये कि इस तरह की जबानों को बंद किया जाए और इस देश में जो सद्भावना का जो माहौल है या माहौल बिगाड़ा गया है उसको और न बिगाड़ा जाए, इसी तरह कोशिश की जाए कि भाई ये जो इस तरह माहौल ख़राब किया गया है पिछले 10-15 सालों में उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए और बिगाड़ा ना जाए। और ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं इनका मतलब सिर्फ सियासी है, वोट बैंक की पॉलिसी है, वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो देश का युद्ध हो जाएगा, इस वक्तव्य को आप किस नज़र से देखते हैं? ठीक है, ममता बनर्जी ने कहा है, ये उनकी बात आप उनसे पूछ सकते हैं, हम अपना नजर अभी गृह युद्ध की तरफ अभी देश गए नहीं, हम शांत प्रिय हैं। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा, बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ता रहा, हो सकता चले जाए। अभी आसाम की बात, ये उनका एक नजरिया है, ममता बनर्जी का जाति नजरिया है। अब हमारा तो मतलब नजरिया ये है नहीं कि मतलब ऐसा हो जाएगा, अभी जो चीज हुआ नहीं मिल के करेंगे काम, नागरिक के फरायद जो है आप होगा हुकूमत से बगावत होगी और सब मिल के करेंगे और वो वोट के शक्ल में 2019 में पता चल जाएगा। एनआरसी की इनिशिएटिव तो आप कॉमन सिविल जो लॉ है उसे किस नजर से देखते हैं? आप सब देख रहे हैं कि उनको क्या है, माइलेज लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जवाब दिया जाए तो सिर्फ एक क्या जवाब, माइलेज है ओनली, देयर इज ओनली नथिंग बट स्टंट, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए ये मामला उसी तरह का है, कहा तो कहते थे कि हम दाऊद को लेकर आएंगे, दाऊद को लेकर, दाऊद को तो लाए नहीं, लेकिन इन्होंने तीन लोगों भगा दिए इस देश से, आप जानते हैं कौन भागे हुए, ऐसा आया तो नहीं देश से चला गया, मुझे मालिया, नीरव मोदी, ललित मोदी।